Assalamu alaikum. Net logo. ये है सर्कल लेआउट. बेसिकली हम टेन पॉइंट के रेडियस पर एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं. ये कोने पे इसलिए है कि हम इसको सेंटर में करते हैं तो फिर देखें क्या बनता है. सेंटर में क्योंकि हमें सेंटर पे करना नहीं है ये, तो दिस इसको हम 16 करते हैं और इसको हम 16 करते हैं. 32. तो अब ये हमारा जो पहले वाला था वो हो गया. ये लाइनें आपस में एक नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, इनका कनेक्टेड हो हैं. सॉरी ये गलत हो गया. तो ये हमने इनका ग्राफ बना दिया है. इससे हमने बेसिकली देखा है कि हाँ हम देख रहे हैं कि सेटअप प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं. सॉरी सेटअप प्रोसीजर में हम कर रहे हैं सबसे पहले क्लियर ऑल, सबको क्लियर कर दिया हमने. उसके बाद हमने नोड क्रिएट किए. नोड बेसिकली ये नंबर ऑफ नोड्स हैं इधर, और इनको हमने सर्कल शेप दी और लेबल जो इनका आईडी होता है वो दे दिया. उसके बाद हमने लिंक क्रिएट किए. ये एक अलग प्रोसीजर है. इस प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं जी, इस प्रोसीजर में हमने टर्टल तमाम टर्टल को हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले एक टेम्पररी वेरिएबल में उनका आईडी स्टोर किया और फिर हमने उसके एटलीस्ट 6 नाइबर, क्योंकि पहले हम ये 1 नाइबर है. ये हम बेसिकली नहीं करेंगे, हम मेक लिंक ये प्रोसीजर हम ना भी क्रिएट करें तो सके, क्योंकि हमने मेक लिंक वाला प्रोसीजर जो है ना उसके ज़रिए हमने लिंक क्रिएट करने हैं. ये हम इसके ज़रिए हम जो कॉल करते हैं तो हम इसको पढ़ेंगे, वो उसको आप इग्नोर कर दें फिलहाल. ये जी सिंपल सी चीज़ है कि हमने 6 नाइबर लिए. 6 नाइबर क्यों लेंगे, क्योंकि एक फ़र्ज़ करें ये वाला हमारे पास है नोड, तो उसके 2, 4 to 6 नाइबर होते हैं. तो हमने मिनिमम 6 नेबर लिए जिनका डिस्टेंस इस नोड से कम हो और इस टर्टल का जो आईडी है वो स्टोर कर लिए टेम्पररी वेरिएबल में. ये तो हमने डिबगिंग के लिए यूज़ किया था, इसको हम बंद कर देते हैं. फिर हम यहाँ चेक करते हैं कि जो नेबर है वो 6-1 से ज़्यादा हैं. बेसिकली होता यह है कि अगर एक नेबर हो तो वो लिंक ड्रा नहीं हो सकता, एटलीस्ट दो नेबर चाहिए होते हैं ड्रा करने के लिए. तो फिर हमने यहाँ उन सब नेबर के साथ लिंक ड्रा कर लिया. ये हमने एक कंडीशन लगाई है क्योंकि जो नेबर हैं विद मिनिमम लेंथ वो अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर लेता है, तो इसलिए हमने कहा है कि अपने अलावा तमाम नेबर को